परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग एक ऐसी चमत्कारिक विद्या है जिसमें पारंगत होने पर व्यक्ति अपने पांच विकारों से मुक्ति पाकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही किया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने। उन्होंने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अपनी देह का त्याग किया और बन गए अव्यक्त फरिश्ता, जिनके पद चिन्हों पर चल पड़े हैं लाखों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज के इस खास पेशकश अव्यक्त फरिश्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य पुरुष के जीवन कहानी के बारे में जिनके जीवन में एक अद्भुत और अनुपम परिवर्तन आया और जिन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा पर अर्पित कर नवयुग के निर्माण के कार्य में कर्णधार बने। माउंट आबू के इन पहाड़ों में ऐसी खुशबू बसती है कि दुनिया भर से लाखों लोग बरबस यहाँ खींचे चले आते हैं, लेकिन कारण सिर्फ राजस्थान की भूमि पर अरावली पहाड़ियों की रंगीन फिजा ही नहीं, बल्कि यहाँ की वह आध्यात्मिक शांति है जिसका उद्गम स्थल है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय, जो पिछले 82 वर्षों से देश विदेश के लाखों लोगों को सिखा रहा है जिंदगी जीने की कला। इस विश्वविद्यालय का मकसद है सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, राजयोग द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, विश्व में मूल्यों की पुनर्स्थापना और विश्व शांति के लिए ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार। और आज ये विश्वविद्यालय जाति, देश, धर्म, अमीरी और गरीबी की सीमाओं को लांघकर 140 देशों में विशाल वट वृक्ष के रूप में फैल चुका है। इस सुंदर परंपरा की शुरुआत हुई सन 1936 में। आज विश्व की जो स्थिति है, मानव का जो स्वभाव बनता जा रहा है, उसमें कोई भी संगठन या व्यवस्था 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बिखराव शुरू हो जाता है, गट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एक में से 10 संस्थाएं पैदा हो जाती है। दादा लेखनाथ जी की कमाल रही, जिन आदर्शों मूल्यों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी आंदोलन को चलाया, नारी शक्ति को प्राधान्य देते हुए चलाया, और वह आज भी उतने ही मनोयोग से, उतनी ही कर्मठता से, उतनी ही एकजुटता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रहे हैं। जब भारत को अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी प्रयास कर रहे थे, तो उसी समय समस्त मानव जाति को पांचों विकारों से मुक्ति दिलाने व पांचों तत्वों को सत्व प्रधान बनाने के लिए निराकार परमात्मा शिव का अवतरण हुआ दादा लेखराज के मानवीय तन में, और उसी समय नींव पड़ी आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापना की। दादा लेखराज का जन्म 1876 में हैदराबाद सिंध में कृपलानी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे, जबकि माता का साया बचपन से ही उठ चुका था। दादा लेखराज बचपन से ही बड़े दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका व्यवहार देखकर हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। जब कोई गरीब अथवा असहाय व्यक्ति उनके पास आता तो उसके पैसे से ज्यादा ही सामग्री उसे दे देते थे। यही नहीं, बाबा की बाल्यकाल से ही भक्ति भाव में बहुत रुचि थी। जब वे प्रातः सूर्य को जल देते तो सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना कभी नहीं भूलते थे। दादा लेखराज को परमात्मा को पाने की असीम इच्छा थी।
तभी उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए, फिर भी उनकी आश पूर्ण न हो सकी। और एक बार जब मुंबई में बबूलनाथ मंदिर के सामने उनके घर के आंगन में चल रहे सत्संग में वे बैठे थे, तभी उन्हें कुछ एहसास हुआ और वे अचानक उठकर घर के अंदर चले गए, जहां उन्हें साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, और यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। दादा का मन अब व्यापार से धीरे धीरे उठने लगा और वे संन्यास के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि अब दादा लेखराज की उम्र भी 60 साल पार कर चुकी थी। तो दादा लेखराज के जीवन में एक दिन महान घटना घटी, जब वे मुंबई में बबूलनाथ मंदिर के सामने अपने घर में चल रहे सत्संग में बैठे थे। अचानक उनका शरीर हल्का और अलौकिक महसूस होने लगा। इसके बाद वे सत्संग छोड़कर घर के अंदर चले गए। फिर उन्हें चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तब दादा लेखराज ने सोचा शायद यह गुरु का ही आशीर्वाद होगा, परंतु गुरु से पूछने पर वे अनभिज्ञ थे। बाबा यह समझ गए थे कि यह कार्य सिर्फ परमात्मा का ही हो सकता है। साक्षात्कार के बाद बाबा का जीवन बिल्कुल बदलने लगा। वे जहाँ भी रहते उन्हीं ख्यालों में खोए रहते। उनके परिवार के लोग तथा अन्य लोगों को भी इसका आभास धीरे धीरे होने लगा था। एक बार बाबा वाराणसी में जब अपने मित्र के घर रात को बैठकर मनन चिंतन कर रहे थे, तो अचानक वे शरीर से उपराम होने लगे और उन्हें साक्षात्कार होने लगा, जिसमें उन्होंने पुरानी दुनिया के महाविनाश का सीन देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रकृति के पांचों तत्व पूरी दुनिया में उपद्रव मचा रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, खून की नदियाँ बह रही है, बमों की बारिश हो रही है। बाबा से ये सीन देखा नहीं गया और उन्होंने परमात्मा से कहा कि बस करो प्रभु, बस करो, अब ये नजारा मुझसे देखा नहीं जाता। साक्षात्कारों के सिलसिले ने दादा के जीवन को जहाँ खुशियों से भर दिया, वहीं कई सवाल ने उन्हें लगातार उन्हें जानने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्हीं दिनों दादा के गुरु आए हुए थे। बहुत बड़ी सभा थी, घर में सत्संग चल रहा था। इतने में दादा सत्संग छोड़कर अपने घर के अंदर चले गए। यह देखकर जसोदा माता हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले दादा ने कभी ऐसा नहीं किया जब गुरु सत्संग करा रहे हों और वे बीच से उठकर चले गए हों। पीछे से जसोदा माता कमरे तक गई और फिर वापस सत्संग में आकर बैठ गई। इतने में बाबा में एक अलग परिवर्तन आया और पूरा कमरा लाल प्रकाश की रोशनी से भर गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानंदस्वरूपं शिवोहं शिवोहं, ज्ञानस्वरूपं शिवोहं शिवोहं, प्रकाशस्वरूपं शिवोहं शिवोहं। फिर बाबा की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई, और जब बाबा की आंखें खुली तो वे आश्चर्य में थे और खुश भी। शिवरात्रि 1936 में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपना दर्शन कराया, अपना साक्षात्कार कराया, और अपने ही शब्दों में उन्होंने अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को दिया। इस घटना के बाद परमात्मा शिव ने अपना परिचय देते हुए नई स्वर्णिम दुनिया बनाने का महान कार्य करने का इशारा दिया। फिर यहीं से नई दुनिया बनने की शुरुआत हुई। अब दादा के तन में परमात्मा ने अवतरित होकर उन्हें अपना परिचय देते हुए दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा के नामकरण से नई दुनिया का जिम्मा सौंपा। अब दादा ने अपनी सारी संपत्ति अपने साझेदार को सौंप कर ईश्वरीय सेवा में लग गए। बाबा ने संकल्प लिया था, संसार के ऐसी झंझट माया वगैरह वगैरह से मुक्ति लेके परमात्मा के
इस संस्था का उद्घाटन करेंगे। फिर माताओं बहनों का एक ट्रस्ट बनाए। उस समय जो भी बाबा के सामने आता उन्हें देवी देवताओं के साथ नई दुनिया का साक्षात्कार होने लगता। पूरे आसपास के लोगों में हलचल मच गई। बाबा ने माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर बोर्डिंग स्कूल से लेकर ओम मंडली की स्थापना की और अपनी सारी चल अचल संपत्ति माताओं बहनों के नाम सौंप दी। 1 जनवरी 1937 को विधिवत एक ट्रस्ट बना करके अपनी चल अचल जो भी संपत्ति थी वो सब उस ट्रस्ट के नाम पर कर दी। ओम मंडली की स्थापना से समाज के लोगों का भारी विरोध होना शुरू हो गया। इससे ब्रह्मा बाबा को कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन परमात्मा शिव की उपस्थिति से सब कुछ आसान होता चला गया। 14 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा ने कन्याओं और माताओं को राजयोग की तपस्या कराकर उन्हें शक्ति स्वरूपा बनाया। इसके बाद बाबा ने अपना पूरा व्यापार समेटकर ओम मंडली में लगा दिया तथा परमात्मा शिव के निर्देशन में नई दुनिया का महान कार्य शुरू हो गया। परमात्मा कितना प्यारा है, कितना मीठा है, इसलिए कहा ही जाता है शिव भोला भगवान। शिव भोला है, कल्याणकारी है। वो कहते हैं बच्चे बाप है कल्याणकारी, तुम बच्चों को बनना विश्व कल्याणकारी। परमात्मा के निर्देशानुसार भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह संस्था 1950 में राजस्थान के माउंट आबू आई। ऐसा नहीं था कि यहाँ सामाजिक कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु बाबा अपनी उपरांत स्थिति से परमात्मा के निर्देशन में कार्य करते रहे। मैं अच्छी तरह से अनुभव करता हूँ, आज जो कुछ सुन रहा हूँ उससे नहीं पहले से, कि 193 देशों की सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र संघ जो काम नहीं कर पा रही वो 137 देशों में व्याप्त संस्था ब्रह्मा कुमारी कर रही। कि जो काम दादा लेखराज ने किया, जो काम दादी जानकी ने किया, दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता, नेपोलियन नहीं कर सकता। यहां करीब करीब 20-25 हजार लोग विराजमान हैं, आप में से ज्यादातर ब्रह्मचारी हैं। इतने ब्रह्मचारी खड़े करना सिर्फ परमात्मा के बस का खेल है, मनुष्य के बस का खेल। कुछ दिनों के बाद पांडव भवन में अपना सत्संग प्रारंभ हुआ। भारत के विभिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवाओं का बीज भी यहीं से पड़ा। अब संस्था ओम मंडली से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई और पूरे भारत व विश्व के कोने कोने में सेवाओं का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। परंतु ब्रह्मा बाबा अपने त्याग और तपस्या के कारण संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए 18 जनवरी 1969 को वे अव्यक्त हो गए। दो तीन सेकंड में वो दृष्टि बाबा देता रहा, हाथ बहुत पकड़ा और दृष्टि देते ऐसे लगा कि कोई मुझे लाइट की करेंट आ रही है। उसमें इतनी करेंट थी, पावर थी, जैसे बाबा सब कुछ निमित्त दादी को दे दिया। लोगों को उस दौरान यह लगने लगा कि शायद यह संस्था समाप्त हो जाएगी, परंतु परमात्मा शिव के निर्देशन में यह कार्य लगातार आगे बढ़ता रहा और एक छोटे से बीज से यह संस्था वट वृक्ष की भांति पूरी दुनिया में फैल गई। लाखों लोग आज भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। जिन विषयों को आज प्रधानमंत्री ने उठाया है और समय समय पर हर युग को उठाना पड़ता है, इस संस्था ने तो अपने साथ
उन विषयों को सहेज कर रखा है, उसी पे काम करते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान धर्म के तात्विक रूप की बजाय धर्म का जो अप्लाइड रूप है उस पर बल देता है, और इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्थान ने अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प अपने हाथ में लिए हैं, जो समाज को शुद्ध करने के, समाज को स्वच्छ करने के और समाज का जीवन बदलने के काम में लगे हुए हैं। यह संस्था यही संदेश देती है कि निराकार परमात्मा शिव हम सभी मनुष्य आत्माओं के माता भी हैं तो पिता भी, और उनकी याद में हर पल डूबे रहना ही राजयोग है, जिसमें पारंगत होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही नकारात्मक विचार भी दूर होते हैं, और तभी होता है मनुष्य का सच्चा आत्मिक उत्थान। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उन धर्म की जड़ों को हमारे देश में हरी भरी रख रहा है, ये काम लगातार 80 वर्षों से है, तभी हमारी संस्कृति, तभी हमारी संस्कृति। इनसे जुड़े रहना भी मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, एक राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हो जो भी इस संस्था से जुड़े। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तमिलनाडु, कहीं भी गया मैंने कभी भी कोई भी ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी से कोई भी शब्द कड़क आवाज में बोलते सुना नहीं, कभी किसी के मुंह से आक्रोश का शब्द सुना नहीं, चेहरे पर उनके कभी भी आक्रोश देखा नहीं। 80 साल पहले आध्यात्मिक क्रांति की शक्ल में जो बीज परमपिता परमात्मा शिव ने बोया और जिसे अपने त्याग तपस्या से ब्रह्मा बाबा ने सींचा, वो आज एक विशाल आध्यात्मिक वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जिसकी अलौकिक और शीतल छाव में दुनिया के तमाम मुल्कों में असंख्य लोग अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। शायद वही कारण है कि संस्था को पूरी दुनिया में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार की है ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी, भारत के अध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं। सारे विश्व में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, स्वच्छता बाह्य स्वच्छता के, लेकिन ये संस्था का नंबर वन मुद्दा तो है स्वच्छता और पवित्रता, ये पहले से है, ये केवल बाह्य स्वच्छता नहीं है, आंतरिक स्वच्छता, मन वचन कर्मणा में स्वच्छता, दृष्टि वृत्ति कृति में स्वच्छता, चाल चलन चेहरा में स्वच्छता, कथनी और करनी में समन्वयता समरसता, ये तो उनका मुद्दा है, ये संस्था का मुद्दा है। धन्य है वे लोग जिन्होंने शिव के रथ को इस दुनिया में साकार रूप में देखा और विश्व सेवक बन जन कल्याण करने वाले उस अलौकिक पिता से पालना ली, जिन्होंने वीरान भूमि को मधुबन और अबला कहे जाने वाली नारी को शिव शक्ति बना दिया। सबसे अच्छी बात कि ब्रह्म कुमारी संस्था जो महिलाओं के द्वारा सालों से चलाया जा रहा है और लगातार निरंतरता उसकी इतनी अच्छी है कि वो दूसरे देशों में भी अपना विस्तार कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इस संस्थान का नेतृत्व परमात्मा से असीम शक्ति प्राप्त सशक्त महिलाएं ही कर रही हैं, जो कि विश्व के आगे महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन आत्माओं के भाग्य के क्या कहने जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहकर जीवन जीने की कला सीखी, लेकिन वे लोग भी कम महान नहीं हैं, जिनके स्नेह की डोर में बंधकर अव्यक्त ब्रह्मा बाबा तो क्या स्वयं भगवान भी खींचे चले आते हैं। हम अध्यात्म के प्रति अपने आप को एक बार जोड़ कर तो देखें कि किस तरह की अंतरात्मा के अंदर फीलिंग आती है, तो मुझे लगता है ब्रह्म कुमारी संस्था से बेहतर जगह नहीं हो सकती है। अगर आपको खुद को जानना है, खुद को महसूस करना है, तो यहाँ पर जरूर आएं और यकीन मानिए यहाँ पर आकर वो तमाम बातें आपको जानने सुनने को मिलेंगी, महसूस करने को मिलेंगी, जो इसके पहले आपने नहीं किया होगा। ब्रह्मा बाबा आज भी
सूक्ष्म रूप से हम सभी बच्चों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर नई स्वर्णिम दुनिया का आवाहन करें। तो आइए उनकी 49वीं पुण्यतिथि पर हम सब ये संकल्प करें कि जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने भगवान के श्रीमद पर चलकर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया है, उसी तरह हम बच्चे भी उस मंजिल तक पहुँचेंगे और जन जन तक परमात्मा का ईश्वरी संदेश पहुँचा कर उनके अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है,